एपिसोड में हम आपसे बात करने वाले हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, 90 साल की लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव झेले हैं, कई उपाधियों से जिन्हें नवाजा जा चुका है, कई ताज जिनके सर पर हैं। एक वक्त पर इस सर पर परिवार की जिम्मेदारियां थी और इन जिम्मेदारियों ने लता मंगेशकर को कभी शादी नहीं करने दी। लता का नाम सुनते ही हम सभी के कानों में मीठी मधुर आवाज शहद की तरह घुलती है और दिमाग में सवाल आ जाते हैं कि 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी हजारों गानों से अपनी पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की। लता जी एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वो महिला कौन है जिसकी वजह से लता मंगेशकर ने शादी करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दिया। दावा किया जाता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि आशा भोसले रही, लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले। दावा किया जाता है कि आशा की वजह से ही लता मंगेशकर ने शादी नहीं की। कहा जाता है कि बचपन में कुंदन लाल सहगल की फिल्म चंडीदास देखकर लता कहती थी कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी, लेकिन शादी उन्होंने नहीं की, जिसके पीछे की बड़ी वजह आशा भोसले हैं। दरअसल आशा भोसले ने संगीत को अपना करियर चुना और उसके बाद प्रेम विवाह कर लिया। जब उन्होंने प्रेम विवाह किया तो परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत लता की थी। ऐसे में लता ने ताउम्र शादी न करने का फैसला लिया। परिवार की जिम्मेदारियों में वो ताउम्र उलझी रही और जब जिम्मेदारियां थोड़ी हल्की हुई, उम्र गुजर चुकी थी। 90 साल की लता मंगेशकर को लेकर ये कहा जाता है कि वो एक राजकुमार के साथ प्यार में थी, इस वजह से उन्होंने शादी नहीं की। जबकि सच ये है कि परिवार की जिम्मेदारियां आशा भोसले के प्रेम विवाह करने के बाद लता जी पर और भी ज्यादा आ गई थी और इन जिम्मेदारियों ने लता मंगेशकर को शादी करके अपना घर बसाने की इजाजत कभी नहीं दी। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।